हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे और जो इस टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट का फॉर्म आने वाले हैं। आपका जुलाई में फॉर्म आएगा 2022 का, या फिर आप जब वीडियो ये देख रहे हो तब तक हो सकता है फॉर्म आ गए हो और आप इस वीडियो पर आए हों कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली मैं आपको हिंदी पैटर्न में सिलेबस आपको बताने वाला हूँ, चूँकि आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम से काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं होते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम से होते हैं और उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो इस वजह से वो हिंदी में सिलेबस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कम्प्लीटली लेकर के आया हूँ सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न इन हिंदी, यानी सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर फर्स्ट आपका मैं बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर टोटल दोस्तों यहाँ पर अगर हम पेपर फर्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिएगा, क्रम संख्या टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट होती हैं पेपर फर्स्ट में। पहला आपका बाल विकास एवं शिक्षण होता है, जो कि आपने डीएलएड में पढ़ रखा है, डीएलएड किया है तो डीएलएड में पढ़ रखा होगा आपने, है ना। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा हमारा गणित हो जाता है और तीसरा आपका भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, या चौथा भाषा सेकेंड हो जाता है और पाँचवा आपका पर्यावरण अध्ययन हो जाता है। प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो सब में 30-30 प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के जो अधिकतम अंक होते हैं वो भी 30-30 के होते हैं, यानी एक प्रश्न आपका एक नंबर का होता है, यानी 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन बराबर एक नंबर, ठीक है। कुल समय की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर 150 मिनट्स मिलते हैं आपको, ठीक है, 150 मिनट मिलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रश्नों की टोटल संख्या जो होती है वो 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर की होते हैं, यानी एक प्रश्न पे आपको एक मिनट का टाइम वेस्ट करना है, 150 मिनट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाल विकास, गणित, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड और आपका यहाँ पर भाषा फर्स्ट में कोई भी हो सकती है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीटेट एग्जाम पैटर्न पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू में आपके टोटल जो सब्जेक्ट होती है वो होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं इसमें तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण होता है, विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, ये आपका चौथा नंबर होता है, बाकी 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या के बारे में, तो 30 30 30 इनमें भी 30 30 का ही पूर्णांक होता है, लेकिन अगर यहाँ पर चौथे वाले सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें आपका विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान आता है, विज्ञान और गणित दोनों आते हैं, अब यहाँ पे गणित ले सकते हो या फिर आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हो, तो इनमें यानी विज्ञान आपका एक 30 नंबर का होगा ही होगा, गणित या सामाजिक विज्ञान में से अगर आप एक सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट करते हो तो +30 उसके अंक हो जाएंगे, या फिर गणित सेलेक्ट करते हो तो +30 उसके हो जाएंगे, और टोटल मिलाकर के इनका जो पूर्णांक होता है वो होता है 260 नंबर का, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 60 होती है और 60 इसका अधिकतम अंक होता है। इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 नंबर के पूछे जाते हैं, सेम वही होता है, प्रोसेस पूरा वही होता है, जैसे उसमें 5 सब्जेक्ट होती हैं इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो एक में ही होती हैं, इनमें भी आपका 150 मिनट होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का पूरा पूर्णांक जो है वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। सीबीएसई पैटर्न के अनुसार यहाँ पर आप लोग इसका जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसका पैटर्न क्या होने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, क्या क्या, कैसे कैसे, ठीक है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसके मुताबिक आप अपना देख सकते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको जैसे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 15 प्रश्न आपके कहाँ से आने वाले हैं, 30 प्रश्न आपके भाषा बौद्धिगम्यता से आने वाले हैं, ये सब मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपको है, गणित का सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है, और उसके बाद गणित में कौन कौन से चैप्टर जैसे आप देख रहे हो ना, चैप्टर कौन कौन से यहाँ पर पूछे जाते हैं, ज्यामिति, अंगाकार, स्थानीय संख्याएं, जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा, प्रबंधन और पैटर्न, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस इस पीडीएफ को आपको लोग दोस्तों को डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम पे जाकर के, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो हाई फाई स्टडी 94 सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अभी देखिएगा तो, या फिर आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाके, अगर आपको टेलीग्राम में नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हो, लेट में देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ तो फिलहाल अपलोड कर दिया है, तो आप अगर देर में देख रहे हो तो उसको आप लोग जाइएगा चैनल पर, अबाउट में जाइएगा, उसके बाद फाइल में जाइएगा, फाइल में आपको देखने को वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी सीटेट फुल सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर जरूर करें, जितने भी आपके साथी हिंदी मीडियम के हैं, जितने भी लोग हिंदी मीडियम के हैं, उन सभी के साथ आप इसको शेयर जरूर से जरूर करना, ठीक है, पूरी की पूरी आशा करते हैं। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसके डिटेल में नीचे आपको दिया गया, जो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, हालांकि वो पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा, जिससे ईजिली तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।